नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और कैसे गया आपका लॉकडाउन पीरियड? मेरा बहुत अच्छा गया। मैं आप लोगों की फरमाइशों पे ही काम कर रही थी और शिकायतों पे भी काम कर रही थी। मेरे लिए हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी एनिमेटेड स्टोरीज बनाना इजी नहीं है। उसके लिए थोड़ी मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। आप चाहें तो मेरी कार्टून स्ट्रिप्स देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। बाकी जहाँ तक सच्ची स्टोरीज की बात है, वो मैं आपको ऐसे ही सुनाऊंगी जब तक थोड़ा और प्रोग्रेस करते हैं। और जहाँ तक जानवरों की स्टोरीज की बात है, वो टाइम टू टाइम आपको मैं बीच में सुनाती रहूँगी। पर निचोड़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आखिर आपने उस कहानी से समझा क्या, आपको सीख क्या मिली, है ना? तो इसलिए अब क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो गया है, तो जिन लोगों की स्टोरी मैंने गूगल करी है या मैंने किताबें पढ़ी हैं या मैं जिन लोगों से मिली हूँ और जो इंटरेस्टेड हैं, ताकि उनकी स्टोरी नाम चेंज करके और थोड़ा अलग तरीके से सुनाई जाए, वो मैं सुनाऊंगी। क्योंकि हर एक को पसंद नहीं है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस यूँ ही सुना देना। तो ठीक है, फिर हम पितृपक्ष 17 दिन का है, मेरे ख्याल सितंबर 17 को ख़त्म है, तो हम शुरू करते हैं आज से। और आज की पहली कहानी है एक लेडी की जिसका नाम है मेलिसा। मेलिसा हिंदुस्तान से नहीं है, वो बाहर देश से हैं। तो उनकी कहानी मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी बेटी 16 साल की थी जब कार एक्सीडेंट में वो उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। फैमिली बहुत दुखी थी, भाई बच गया था उसका, लड़की का, और ये तीन जने ही रह गए थे, हस्बैंड वाइफ और बेटा। तो जैसे कि आपको पता है कि बाहर के देशों में एक सर्टन एज ग्रुप होता है, उसके बाद बच्चों को अपने घर से मूव आउट करना होता है। तो जब इस बच्चे का टाइम आया, लड़के का टाइम आया मूव आउट करने का, तो बहुत होमसिक हो गया। होमसिक मतलब उसको घर की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, और जबकि ज़्यादा दूर नहीं था, एक घंटे की दूरी पे था, लेकिन एक बॉन्ड होता है, ब्रेक करना मुश्किल होता है। माँ बाप भी सोच रहे थे कि अब हम अकेले, फिर से हम अकेले रह गए और हमारे बच्चे चले गए हमें छोड़ के, और ऐसी फीलिंग तो सबको ही आती है अक्सर। तो ये एक इंस्टेंस उनके साथ हुआ कि जब उनका बेटा मूव आउट कर गया और वो भी वहाँ दुखी था अपने परिवार से बिछड़ने के लिए, और वो ये सोच रहा था कि वो काफ़ी अकेला हो गया, अब उसके पास कोई नहीं है उसका अपना। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे अकेले हो गए और सोचा इन्होंने कि अब इनका जो घोंसला था जो इन्होंने बनाया था, इनकी चिड़ियाएँ उड़ गई हैं। तो एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ प्लान करते हैं कि चलो आज हम बाहर खाना खा के आते हैं, थोड़ा यू नो मूड चेंज करने का हर कोई सोचता है। तो ये दोनों बाहर खाना खाने गए। जब ये खाना खाने गए तो अचानक से एक मक्खी आके उनके लेडी के दिल के ऊपर आके बैठ गई, ठीक है, वो बहुत कलरफुल मक्खी थी। फिर वो वहाँ से उड़ी और वो जाके उसके हस्बैंड के दिल पे बैठ गई। तो दोनों सोच रहे, हंस रहे थे कि ये बड़ी अजीब सी बात हो गई है। तो वो जाते हैं रेस्टोरेंट में, खाना खाते हैं, चुप करके खाते हैं, दोनों अपने ख्यालों में होते हैं। लेडी अपनी बेटी को याद कर रही होती है और सोच रही होती है कि अब उसके बेटे का ख्याल कौन रखेगा और उसे पूछेगा कौन। हस्बैंड वहाँ पे अपने बेटे के बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अब अपनी वाइफ को खुश कैसे किया जाए। पर दोनों बहुत साइलेंस में खाना खाते हैं। तो खाना जब इनका हो जाता है तो अचानक एक वेट्रेस आती है और वेट्रेस आके उनको कहती है कि चलो मक्खियों के जोड़ो, अब तुम्हारा खाना हो गया, बिल पे करो। तो ये लोग बड़े हैरानी से देखते हैं, ये क्या बोल रही है। तो अचानक जो लेडी होती है वो अपना फ़ोन उठाती है, मेलिसा अपना फ़ोन उठाती है और अपने हस्बैंड, उसके हस्बैंड कहते हैं ये कैसे बोल गई और क्या, अभी तो वो शॉक में ही थे, ये क्या बोल के चली गई। तो वो दिखाती है कि जब उनकी बेटी कैली जब एक्सीडेंट में चली गई थी, तो और उनकी बेटी को ये रंगीन मक्खियाँ बड़ी पसंद थी, तो उन्होंने ये नहीं कि उनको ये फर्स्ट टाइम दिखाई, उनको पहले भी बहुत सारे साइंस अपनी बेटी की तरफ से मिल चुके थे, लेकिन ये पर्टिकुलर इंस्टेंस में उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें
जिसका शीर्षक था मक्खियों का जोड़ा। तो उन्होंने फटाफट वो अपने हस्बैंड को दिखाया, कहा कि ये कोई अजीब बात नहीं है कि यही मक्खी, इसी रंग की मक्खी हमें मिली। और ये मैंने अपने पहला ब्लॉग कैली के जाने के बाद उसका नाम मैंने मक्खियों का जोड़ा लिखा था। और हम इससे उम्र में कितने बड़े हैं, ये लड़की तो अभी छोटी बच्ची है, हमारी कैली जब गुजरी थी 16 साल की, ये उतनी होगी। और इसने ऐसे हमें क्यों कहा, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता ही, होना ही होगा। तो खैर वो दोनों को बड़ा अजीब लगता है, पैसे देते हैं, रेस्टोरेंट से निकलते हैं। अभी वो सोच ही रहे होते हैं कि क्या ये उनकी बेटी की तरफ से साइन है कि वो उनके साथ है। तो इतने में उनकी उनका मोबाइल पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है। तो व्हाट्सएप आता है तो वो एकदम हैरान हो जाती है और हंसने लगती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसके हस्बैंड कहते हैं, ऐसा क्या मैसेज आया जो तुम कह रहे हो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैसेज होता है उनके बेटे की तरफ से, और उसी रंग की मक्खी उसके जो लड़का है जो उसके पॉकेट के पास आके आज बैठी हुई है। और उसने कहा कि आज मैं अपना पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकला, मैं टेलीविजन ही देख रहा था और मैं बहुत मिस कर रहा था। और ये कैली की फेवरेट मक्खी देखो, ये मेरे पास विजिटर बन के आई और आज ये सारा दिन मेरे पास ही बैठी रही है और अभी उड़ के गई, तभी मैंने तुमको फोटो खींच के भेजा है कि देखो ये मेरे जीन्स की जेब से हट ही नहीं रही है। तो यही शेयर उन्होंने लेडी ने अपने बेटे से भी किया कि हमारे साथ भी आज ऐसा अनोखा इंसिडेंस ये हुआ है। तो कहीं इस फैमिली ने ये सोचा कि वो और कोई नहीं, इनकी अपनी बेटी कैली ही है जो अपने भाई को ये बता गई कि तेरी फैमिली में मैं तेरे साथ अभी भी हूँ, तू चिंता मत कर, तू यहाँ भी अकेला नहीं है। और अपने पेरेंट्स को भी बता गई कि आप जहाँ रहेंगे मैं आपके साथ ही हूँ, तो आप घबराए ना। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि हमारे लव्ड वंस उसी रूप में आए, किसी इंसान के रूप में आए या अपने किसी रूप में आए, हमें ऐसे कोई आत्मा आत्मा दिखे, नहीं। कई बार जो हम उनको चीजें पसंद हैं वो उस तरीके से अपना प्यार आपकी तरफ व्यक्त करते हैं, या उनके अलग अलग साइंस होते हैं ये दिखाने के लिए कि हम आपके आसपास हैं। तो आपको आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कल मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। आई होप आपको ये पितृपक्ष स्पेशल स्टोरी टेलिंग पसंद आए। तो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि कहाँ कौन सी कहानी आपको या आपके किसी अपने को मदद कर रही हो। कई बार लव सुनने में ही बहुत मदद कर देते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पितरों का आशीर्वाद लेते रहिए। नमस्कार।